टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। आज पानीपत के हल्का समलखा में ब्राह्मण समाज द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जो रासी रोड सुनील शर्मा के कार्यालय पर। वहाँ ब्राह्मण समाज के काफ़ी गणमान्य लोग मौजूद रहे और ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, जो कि रोहतक के पास बराड़ो गाँव में काफ़ी दिनों से नवीन जैन द्वारा एक जमीन का काफ़ी चर्चा में मुद्दा चला हुआ है, जिसके लेकर ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा और वहां पर एक कॉलेज खोला जाएगा और एक हॉस्पिटल की भी खोला जाएगा, जिसमें 36 बिरादरी का वहां पर लोग वही सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप पल पल के साथ जुड़े रहे धर्मवीर योगी के साथ समालका से। सर, सबसे पहले तो आपका टैलेंट ऑफ इंडिया में स्वागत है। सर, आज जो ब्राह्मण समाज ये किस लिए आज इकट्ठे हुए हैं, क्या आपकी मांगे हैं, किस लिए मीटिंग रखी है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक आपको देख रहे बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका भी इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं महिपाल शर्मा, समालका, जिला पानीपत। ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये प्रावर गाँव है रोहतक में। सरकार ने जो ज़मीन अधीन की है, उसमें ब्राह्मण समाज, पूरा ब्राह्मण हरियाणा समाज चाहता है कि वह हम उस ज़मीन को सरकार से नए दिन होते हुए विकास कार्य में लें। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं, इसमें सरकार से सबसे पहले हमारी मांगे, उसमें भगवान परशुराम को वहाँ मंदिर बने और उसमें एजुकेशन के लिए 36 बिरादरी के जो समाज के जो लड़के उसमें पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, उसके लिए और उसमें हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल जो अच्छी मेडिसिन मिले और मुफ्त इलाज हो। और सरकार ने जो एलिगेशन लगाया था, हम उसको निर्धार करते हैं। और यह प्रोग्राम हमारा जो होगा, हमारे यहाँ प्रधान राम रतन जी आए हैं, उनके नेतृत्व में आदमी, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए हैं। इसमें 22 तारीख का हमारा वहाँ पर प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में नवीन जय हिंद जी वहाँ पर नेतृत्व करेंगे। उसमें हमारी जो मांगे हैं सरकार से। सर, ये किस जगह प्रोग्राम होगा, थोड़ा हमारे दर्शक बताएं। ये गांव पड़ता है रोहतक जिले के नज़दीक, उसी में होगा। और स्थान सब निर्धारित, सब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर के जरिए हमने वहाँ पर पहुँचा दिया है। और सभी हज़ारों सैकड़ों आदमी इकट्ठा होकर वहाँ पर हम सभी पहुँचेंगे और अपनी मांगों को प्रस्ताव रखेंगे। और सरकार से हम जो भी प्रस्ताव है, हम सरकार से प्रेम भाव से, निर्मल हृदय से हम सरकार से अपना प्रस्ताव रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम आंदोलन भी करेंगे और बढ़ चढ़ कर उसमें अपना जो अधिकार है हमारा, उसमें हम अधिकार भी छीनेंगे। जय भगवान, जय परशुराम। आज समालका हल्के से कौन कौन से आपके जो आए हैं, साथी आए हैं, इनका क्या क्या नाम है? इसमें जो हमारे यहाँ पर जो आदमी इकट्ठे हुए हैं, इसमें कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हैं और उसमें मुख्य प्रमुख समाजसेवी भी हैं। इसमें बहुत सारे हैं, अगर मैं नाम लेऊंगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा, लेकिन मेन जो हमारे आदमी हैं, उनमें हमारे ब्राह्मण महासभा के प्रधान हैं जो श्री राम रतन शर्मा जी, डी के एडवोकेट जी, सत्यनारायण कौशिक किवाना हैं, जय भगवान शर्मा है और नरेश शर्मा है और रविंदर शर्मा है और पूर्व सरपंच, उप सरपंच, पूर्व पार्षद, इसमें बहुत सारे इसमें गणमान्य व्यक्ति हैं। सर, ये किस जगह मीटिंग रखी है, आपका अपना परिचय भी दीजिए, आपका क्या नाम है और बता दीजिए हमारे दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम है जो महिपाल शर्मा है, श्री समालका प्रोपर्टीएशन प्रेजिडेंट, समालका सोशल वर्कर और राष्ट्रीय प्रभारी हरियाणा ब्राह्मण महासभा।